Is the timekeeper of the nation using atomic clocks. With this, once again, I request our Honorable Prime Minister to dedicate the National Atomic Time Scale, generating an accuracy of 2.8 nanoseconds, to the nation. Further, I request the Honorable Prime Minister to dedicate the Bharatiya Nirdeshak Dravya to the nation for self-reliance in supporting testing and calibration laboratories across the country for quality assurance at par with international standards. Once again, I request our Honorable Prime Minister to kindly lay the foundation stone of National Environmental Standard Laboratory for self reliance in the certification of ambient air and industrial emission monitoring equipment through CSIR NPL Indian Certification Scheme. <laughs> With this, ladies and gentlemen, I would now request our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly address the gathering. Namaskar. Kendriya Mantrimandal hi Dr. Harshvardhan ji, Principal Scientific Advisor, Dr. Vijay Raghavan ji. सीएसआईआर के मुखिया डॉक्टर शेखर श्री मांडे जी विज्ञान जगत के अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की पैटिनम जुबी समारोह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई आज हमारे वैज्ञानिक नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं और साथ ही देश की पहली नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का शिलान्यास भी हुआ है नए दशक में ये शुभारंभ देश का गौरव बढ़ाने वाले हैं साथियों नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का टेक्नीशियनों का सबका कृतज्ञ है साथियों आज उस समय को भी याद करने का दिन है जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों ने आप सब ने कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया सीएसआईआर समेत अन्य संस्थानों ने एक साथ आकर हर चुनौती का सामना किया नई नई परिस्थितियों के समाधान तलाश से आपके इस समर्पण से आज देश में अपने इन साइंस इंस्टीट्यूशंस के प्रति जागरूकता और सम्मान का एक नया भाव पैदा हुआ है हमारे युवा आज सी एस आई आर जैसे संस्थानों के बारे में और ज्यादा जानना समझना चाह रहे हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि सी एस आई आर के वैज्ञानिक देश के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के साथ छात्र छात्राओं के साथ संवाद करें कोरोना काल के अपने अनुभवों को और इस शोध क्षेत्र में किए गए कामों को नई पीढ़ी से साझा करें इससे आने वाले कल में आपको युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में उन्हें प्रेरित करने में बड़ी मदद मिलेगी साथियों थोड़ी देर पहले साढ़े सात दशक की आपकी उपलब्धियों का यहां जिक्र हुआ है इन वर्षों में इस संस्थान की अनेक महान विभूतियों ने देश की उत्तम से उत्तम सेवा की है यहां से निकले समाधानों ने देश का पथ प्रशस्त किया है C.S.I.R. एनपीएल ने देश के विकास के साइंटिफिक एवोल्यूशन और इवैल्यूएशन दोनों में अपना अहम रोल निभाया है बीते सालों की उपलब्धियां और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा के लिए आज यहां कॉन्क्लेव भी हो रहा है साथियों आप जब पीछे देखते हैं तो आपकी शुरुआत गुलामी से बाहर निकले भारत के नवनिर्माण के लिए की गई थी समय के साथ आपकी भूमिका में और विस्तार हुआ है अब देश के सामने नए लक्ष्य हैं, नई मंजिलें भी हैं देश वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है वर्ष दो में 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष होंगे इस टाइम पीरियड में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों नए पैमानों न्यू स्टैंडर्ड्स न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है साथियों सी एस आई आर एनपीएल तो भारत का एक प्रकार से टाइम कीपर है यानी भारत के समय की देखरेख व्यवस्था आपके ही जिम्मे है जब समय की जिम्मेदारी आपकी है तो समय का बदलाव भी आपसे ही शुरू होगा नए समय का नए भविष्य का निर्माण भी आपसे ही दिशा पाएगा साथियों हमारा देश दशकों से क्वालिटी और मेजरमेंट के लिए विदेशी स्टैंडर्ड्स पर निर्भर रहा है लेकिन इस दशक में भारत को अपने स्टैंडर्ड्स को नई ऊंचाई देनी होगी इस दशक में भारत की गति भारत की प्रगति भारत का उत्थान भारत की छवि भारत का सामर्थ्य हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे स्टैंडर्ड से ही तय होंगे हमारे देश में सर्विसेज की क्वालिटी हो सरकारी सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में हमारे देश में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हो चाहे सरकार बनाए या प्राइवेट सेक्टर हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये तय करेंगे कि दुनिया में भारत और भारत के प्रोडक्ट्स की ताकत कितनी ज्यादा बढ़े साथियों मेट्रोलॉजी साधारण भाषा में कहें तो मापने नापने की साइंस ये किसी भी वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए भी बुनियाद की तरह काम करती है कोई भी रिसर्च माप और नाप के बिना आगे नहीं बढ़ सकती यहां तक कि हमें अपनी उपलब्धि भी किसी न किसी पैमाने पर मापनी ही पड़ती है इसलिए मेट्रोलॉजी मॉडर्निटी की आधारशिला है जितनी बेहतर आपकी मेथोडोलॉजी होगी उतनी ही बेहतर मेट्रोलॉजी होगी और जितनी विश्वसनीय मेट्रोलॉजी जिस देश की होगी उस देश की विश्वसनीयता दुनिया में उतनी ही ज्यादा होगी मेट्रोलॉजी हमारे लिए मिरर की तरह होती है दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हमें क्या सुधार की जरूरत है ये पहचान ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मेट्रोलॉजी से ही तो संभव होता है इसलिए आज जब देश आत्मनिर्भर भारत का अभियान इसका संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है तो हमें याद रखना है कि इसका लक्ष्य क्वांटिटी भी है लेकिन साथ साथ क्वालिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है यानी स्केल भी बढ़े और साथ साथ स्टैंडर्ड भी बढ़े हमें दुनिया को केवल भारतीय उत्पादों से भरना नहीं है ढेर नहीं खड़े कर रहे हैं हमें भारतीय उत्पादों को खरीदने वाले हर एक कस्टमर का दिल भी जीतना है और दुनिया के हर कोने में दिल जीतना है मेड इन इंडिया की न केवल ग्लोबल डिमांड हो बल्कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी हो यह हमें सुनिश्चित करना है हमें ब्रांड इंडिया को क्वालिटी क्रेडिबिलिटी के मजबूत स्तंभों पर और मजबूत बनाना है साथियों मुझे खुशी है कि भारत अब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है आज भारत दुनिया के उन देशों में है जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है नाविक से भारत ने यह उपलब्धि हासिल करके दिखाई है आज इसी और एक और कदम बढ़ा रहा है आज जिस भारतीय निर्देशक द्वारा लोकार्पण किया गया है यह हमारे उद्योग जगत को क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा अब फूड एडिबल ऑयल्स, मिनरल्स हैवी मेटल्स पेस्टिसाइड फार्मा और टेक्सटाइल ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपने सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल सिस्टम को मजबूत करने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंडस्ट्री रेगुलेशन सेंट्रिक अप्रोच के बजाय कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ बढ़ें। इन नए मानकों से देश भर के जिलों में वहां के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल पहचान दिलाने का अभियान है उसको बहुत लाभ मिलेगा इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को विशेष लाभ होगा क्योंकि बाहर की जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रही हैं उनको यहीं पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लोकल सप्लाई चेन मिलेगी सबसे बड़ी बात नए मानकों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की क्वालिटी सुनिश्चित होगी इससे भारत के सामान्य उपभोक्ता को भी अच्छा सामान मिलेगा एक्सपोर्टर की परेशानी भी कम होगी यानी हमारा प्रोडक्शन हमारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी में जितने बेहतर होंगे उतनी ही ताकत देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी साथियों अतीत से लेकर वर्तमान तक आप कभी भी देखें जिस देश ने साइंस को जितना आगे बढ़ाया है वो देश उतना ही आगे बढ़ा है साइंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का वैल्यू क्रिएशन साइकिल है साइंस से कोई आविष्कार होता है तो उसी के प्रकाश में टेक्नोलॉजी विकसित होती है और टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री खड़ी होती है नए उत्पाद तैयार होते हैं नए आइटम निकलते थे प्रोडक्ट निकलते हैं इंडस्ट्री फिर नए रिसर्च के लिए साइंस में इन्वेस्ट करती है और यह साइकिल नई संभावनाओं की दिशा में आगे बढ़ती जाती है सीएसआईआर एनपीएल ने भारत के इस वैल्यू साइकिल को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है आज जब देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है तब साइंस से मास मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू क्रिएशन साइकिल इसका महत्व और बढ़ जाता है इसलिए सीएसआई CSI का सीएसआईआर को इसमें बड़ा रोल निभाना होगा साथियों सीएसआईआर एनपीएल ने आज जिस नेशनल एटमिक टाइम स्केल उसे जो देश को सौंपा है उससे भारत नैनो सेकंड यानी एक सेकंड के एक अरब हिस्से तक समय को नापने में भी मापने में भी आत्मनिर्भर बन गया है 2.8 प्वाइंट एट नैनो सेकंड इसका ये एक एक्यूरेसी लेवल हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा सामर्थ्य है अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम उसको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तीन नैनो सेकंड से भी कम की एक्यूरेसी लेवल से मैच कर रहा है इसमें इसरो सहित हमारे जितने भी संस्थान कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं उनको बहुत मदद मिलने वाली है इससे बैंकिंग रेलवे डिफेंस हेल्थ टेलीकॉम वेदर फोरकास्ट डिजा, डिजास्टर मैनेजमेंट अनगिनित अनगिनित सेक्टर से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी में ये बहुत मदद मिलेगी इतना ही नहीं ये इंडस्ट्री हम जो इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं उस इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी भारत की भूमिका को सशक्त करेगा साथियों आज का भारत पर्यावरण की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है लेकिन एयर क्वालिटी और एमिशन को मापने की टेक्नोलॉजी से लेकर टूल्स तक हम दूसरों पर निर्भर रहे हैं आज इसमें भी आत्मनिर्भरता के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया है इससे भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए ज़्यादा सस्ते और प्रभावी सिस्टम तो विकसित ही होंगे साथ में एयर क्वालिटी और एमिशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी के ग्लोबल मार्केट में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी हमारे वैज्ञानिकों के ही प्रयास प्रयासों से भारत आज ये उपलब्धि हासिल कर रहा है साथियों किसी भी प्रगतिशील समाज में रिसर्च जीवन का एक सहज स्वभाव भी होता है और सहज प्रक्रिया भी होती है रिसर्च के प्रभाव कॉमर्शियल भी होते हैं सोशल भी होते हैं और रिसर्च हमारे ज्ञान को हमारी समझ को विस्तार देने के लिए भी काम आती है कई बार रिसर्च करते समय यह अंदाज़ा नहीं होता है कि फाइनल गोल के अलावा भी वो और किस दिशा में जाएगी भविष्य में वो और किस काम आएगी लेकिन इतना तय है रिसर्च ज्ञान का नया अध्याय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है हमारी यहां शास्त्रों में जैसे कहा है ना आत्मा कभी मरती नहीं है मैं मानता हूं रिसर्च भी कभी मरती नहीं है इसलिए मैं ऐसे कितने ही उदाहरण है फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल के काम को पहचान कब मिली उनके जाने के बाद मिली निकोला टेस्ला के काम का पोटेंशियल भी काफी बाद में दुनिया पूरी तरह समझी कई रिसर्च हम जिस दिशा में जिस उद्देश्य के लिए कर रहे होते हैं वो पूरा नहीं होता लेकिन वही रिसर्च किसी दूसरे सेक्टर में पाथब्रेकिंग हो जाती है उदाहरण के तौर पर देखिए जगदीश चंद्र बोस जी ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में माइक्रोवेव के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था सर बोस उनके कॉमर्शियल इस्तेमाल की दिशा में नहीं बढ़े लेकिन आज रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम उसी सिद्धांत पर खड़ा है विश्वयुद्ध के समय जो रिसर्च युद्ध के लिए था या सैनिकों को बचाने के लिए हुई बाद में उन्होंने ही अलग अलग सेक्टर्स को रिवोल्यूशनाइज कर दिया ड्रोन्स भी ड्रोन्स भी पहले युद्ध के लिए ही बनाए गए थे लेकिन आज ड्रोन्स से फोटोशूट भी हो रहा है और सामान की डिलीवरी भी हो रही है इसलिए आज ये जरूरी है कि हमारे वैज्ञानिक हमारे खासकर युवा वैज्ञानिक रिसर्च के क्रॉस यूटिलाइजेशन की हर संभावना को एक्सप्लोर करें, उनके सेक्टर से बाहर उनकी रिसर्च को कैसे प्रयोग हो सकता है ये सोच हमेशा रहनी चाहिए साथियों आपकी छोटी सी रिसर्च कैसे दुनिया का भविष्य बदल सकती है कई उदाहरण है दुनिया में अगर बिजली का उदाहरण ले ले आज जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कोई पहलू नहीं है जहां बिजली के बिना गुजारा हो सके ट्रांसपोर्टेशन हो कम्युनिकेशन हो इंडस्ट्री हो या फिर रोजमर्रा का जीवन सब कुछ बिजली से जुड़ा हुआ है एक सेमीकंडक्टर के आविष्कार ने दुनिया इतनी बदल गई है एक डिजिटल क्रांति ने हमारे जीवन को कितना एनरिच कर दिया है ऐसी कितनी ही संभावनाएं इस नए भविष्य में हमारे युवा रिसर्चर के सामने पड़ी है आने वाला भविष्य आज से बिल्कुल अलग होगा और इस दिशा में वो एक रिसर्च वो एक आविष्कार आप ही को करना है पिछले छह सालों में देश ने इसके लिए नए सिरे से फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम किया है आज भारत ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में दुनिया के टॉप 50 देशों में पहुंच गया है देश में आज बेसिक रिसर्च पर भी जोर दिया जा रहा है और पीयर रिव्यूड साइंस एंड इंजीनियरिंग पब्लिकेशंस की संख्या में भारत दुनिया के टॉप तीन देशों में है आज भारत में इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस के बीच कोलोबरेशन भी मजबूत किया जा रहा है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में अपने रिसर्च सेंटर और फैसिलिटीज स्थापित कर रही हैं बीते वर्षों में इन फैसिलिटीज की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ी है इसलिए साथियों आज भारत के युवाओं के पास रिसर्च और इनोवेशन में असीम संभावनाएं हैं लेकिन आज हमारे लिए जितना इनोवेशन क्रिटिकल है उतना ही महत्वपूर्ण है इनोवेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना ये कैसे हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा कैसे हो ये भी आज हमारे युवाओं को सिखाना है हमें ये याद रखना है कि हमारे जितने पेटेंट्स होंगे उनकी यूटिलिटी हमारे इन पेटेंट्स की होगी हमारी रिसर्च जितने सेक्टर्स में लीड करेगी उतनी ही आपकी पहचान मजबूत होगी उतना ही ब्रांड इंडिया मजबूत होगा हम सबको कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन के मंत्र से ऊर्जा लेकर कर्म में जुटे रहना है और शायद इस मंत्र को जीवन में अगर किसी ने उतारा है तो मुझे हमेशा लगता है साइंटिस्टों ने उतारा हो उनका यही मन रहता है वो लेबोरेटरी में एक रूसी की तरह तपस्या करते रहते हैं और कर्म कर्म का रास्ते मां फलेसु कदाचना कर्म करते रहो फल मिले न मिले वो लगा रहता है आप सिर्फ भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी के एक कर्मयोगी नहीं है बल्कि आप 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की आशा और अपेक्षाओं की पूर्ति के भी साधक हैं आप सफल होते रहें इसी कामना के साथ आपको नए साल की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें